कोरोना को लेकर देश से लेकर प्रदेश तक दहशत का माहौल है। सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के बाद लोग जहां तहां फंस गए हैं। रोजगार बंद होने के बाद सभी लोग खासकर मजदूर वर्ग के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में इन दूर दराज से नौकरी करने आए इन लोगों को अब अपने घर गाँव की याद आई है। लिहाजा जिसका जैसा मौका लग रहा है वो अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ा, कोई पैदल, कोई ट्रक में तो कोई बसों में। बस अब हर किसी को जल्दी है अपनी मंजिल तक पहुँचने की। हालांकि सरकार द्वारा बसों के इंतजाम से लेकर अन्य प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। वहीं सड़कों पर लोगों के सैलाब को रोक पाने में जिलों का प्रशासन भी फेल हो रहा है। अपने काम के शहरों को छोड़कर जाने वाले अधिकांश लोग पूर्व के क्षेत्रों के हैं। मैं आपका मेरा नाम मोनू। मोनू भैया कहाँ से आ रहे हैं? इधर से आ रहे हैं। अच्छा, पैदल कितनी दूर से आ रहे हो आप? पैदल क्या, बस वालों ने पीछे छोड़ दिया, पीछे उतर गए बस वाले। अभी आप कहाँ जाएंगे? अब तो आगे जाना है हनुमान मूर्ति में। तो क्या दिक्कत आ रही है आपके सामने? अब तो हनुमान मूर्ति जाएंगे बस। क्या नाम है आपका? नवनीत सहाय। नवनीत जी, इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं और क्या किया जा रहा है आपकी टीम के द्वारा? हम यहाँ नेमराज 0 पॉइंट पे खड़े हुए हैं और ये जो लोग जो प्लान कर रहे हैं दिल्ली वगैरह जो और राज्यों से आ रहे हैं अपने घर के लिए जा रहे हैं, उन लोगों का खाने पीने की व्यवस्था का काम हम लोगों ने कर रखा है। मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ। और जो ये कोरोना नामक महामारी है इससे पीड़ित लोग डर से, भय से लोग अपने घरों को जो लौट रहे हैं उसी में कुछ लोग पैदल आ रहे हैं और उनको जहां वो रोज़गार करते थे मालिक ने पैसा नहीं दिया, इस कारण वो लोग पैदल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल की है क्योंकि मैं कल से देख रहा हूं यहां बहुत बड़ी समस्या है। अब ये लोग पैदल, मैंने कल ये भी देखा कि नालंदा तक जाने वाले लोग पैदल वाले थे, तो हमने रात भी ये भोजन की कल को भोजन की व्यवस्था की है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ ये गरीब मजदूर टाइप के लोग हैं इनको कोशिश की जा रही है कि इनको खाने पीने का कुछ उपलब्ध करा दिया जाए ताकि ये आसानी से चले जाएँ। जनमानस से अपील हमारी ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनावाएं, एक दूसरे से दूरी बनाएं, अपने घरों में रहें, अनावश्यक इधर उधर ना घूमें। कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है पूरे विश्व में, इंडिया को भी चपेट में ले रहा है, इसलिए जो अपने घरों में है घरों में रहा, इधर उधर ना घूमें जब तक कोई बहुत आवश्यक चीज़ ना हो। और अगर कोई तकलीफ परेशानी होती है तो 112 पर कॉल करें, पुलिस उनकी मदद के लिए पहुँचेगी।